हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार यहाँ पे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आए एमएलएज के लिए है, एमएलएज के लिए, मंत्रियों के लिए, और मुख्यमंत्री सहित स्पीकर जितने भी लोग हैं सबके लिए ये मुख्य द्वार है। लेकिन आप अचानक ही जो है जो एमएलएज के प्रवेश द्वार को सुबह बंद कर देते हैं, बलपूर्वक पुलिस लगा के आपने बंद कर दिया और ये कहा कि एमएलए यहाँ से नहीं जाएंगे और इसमें सिर्फ चार लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, स्पीकर जाएंगे, डिप्टी स्पीकर जाएंगे या कोई व्यक्ति होंगे, तो हमारा ये कहना है कि क्या ये बिना एमएलए से विधानसभा चला लेंगे? ये स्थान जो है एमएलएज का है और यहाँ चर्चा एमएलएज ने करनी है, अगर वही गेट पे से इस प्रवेश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो उनका ये कहना था कि स्पीकर के आदेश के मुताबिक इस गेट को बंद किया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग चीफ मिनिस्टर स्पीकर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से थी वो हमारी थी, तो हम उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए 11 बजे जैसे ही आए तो इन्होंने गेट बंद रखे थे, इसलिए हमें गेट पे धरना देना पड़ा। और जो है पुलिस को हमने कहा कि हम जो है जो हमारा गेट है विधानसभा में विधायकों का उसी से जाएंगे, इसलिए हमने वहाँ पे गेट पे धरना दिया। और कुछ अरसा के बाद जो है वहाँ मुख्यमंत्री आए, जब उनके लिए गेट खुलने लगा, तो हमारा ये कहना था कि जब तक ये मसला सुलटता नहीं है तब तक इस गेट से कोई नहीं जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी वहाँ उतरे और उन्होंने कहा कि ये सरकार का आदेश नहीं है, ये विधानसभा परिसर है, और स्पीकर महोदय का कहना है कि ये उनका भी आदेश नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इस सरकार में ये आदेश कौन देता है, तो जो कि गेट बंद हो जाते हैं, एमएलए एंटर नहीं कर सकते, और इसलिए आज जो है हमने धरना दिया। और उसके बाद जो है मुझे मालूम पड़ा कि मेरे से पहले एजुकेशन मंत्री सुरेश भारद्वाज भी गेट पे आए थे और उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन वो मंत्री हैं वो तो धरना दे नहीं सकते थे, वो पतली गली से निकल के पीछे से कहीं से विधानसभा में प्रवेश कर गए, लेकिन हमें तो मुख्य द्वार से ही विधानसभा में आना है क्योंकि हम चुन के आए हैं और चुने हुए एमएलए के नाते हम फ्रंट गेट से जो है विधानसभा में आएंगे। और हम आए और उसके बाद अभी जो है स्पीकर के चैम्बर में जो मीटिंग हुई, जो बात हुई, उसके बाद ये फैसला हो गया कि सारे विधायक जो है मुख्य गेट से ही आएंगे। ये विधानसभा में जो और एक औपचारिकता का जो मीटिंग होती है शुरू में, तो उसमें हमें सब लोग आए थे और हम भी उस मीटिंग में गए थे, और एक फैसला जो कि हमने कल अपने विधायक दल में भी डिस्कस किया था और शायद भाजपा ने भी अपने विधायक दल में डिस्कस किया होगा, और मुख्यमंत्री उसकी जानकारी अपने हिसाब से देंगे, लेकिन हमने भी ये फैसला किया है एज विधायक दल कि जो विधानसभा में खाना दिया जाता है, जब लोकसभा में अनुदान हटा दिया गया है, तो हमने भी एज ए पार्टी कहा है कि यहाँ भी हटा दिया जाए और जो है एमएलए जो है भुगतान करके अपना खाना खाएंगे। सर आज नहीं, अब तो मुद्दे अंदर ज्यादा देरी नहीं रही है, अब अंदर जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस है कहाँ, पहले उनका ये था कि कांग्रेस है कहाँ, और फिर उनका ये था कि कांग्रेस में तो सिर्फ एक अध्यक्ष है, बाकी तो कहीं कांग्रेस नजर नहीं आती, तो हम सदन में आ रहे हैं, बताएंगे कांग्रेस है कहाँ।